इस वीडियो में आप लोगों को ये रिचार्जेबल तो को रिपेयर करके दिखाऊंगा इसका चार्जिंग जैक टूट गया है यहाँ पर और आगे का लाइट भी नहीं जल रहा है क्योंकि इसका बैटरी का चार्ज खत्म हो गया है तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग जैक टूट गया है यहाँ पर मोबाइल चार्जर से भी इसको चार्ज कर सकते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में ये चार्जर ये चार्जर यहाँ पर ऐसे लगाते हैं लेकिन इसके अंदर का चार्जिंग जैक टूट गया है तो इस वीडियो में इसको रिपेयर करके दिखाऊंगा आप लोगों को इसको रिपेयर करना बहुत ही आसान है आप लोगों को वीडियो को देखना है इस टोर्स में मेरे हाथ में देख सकते हैं आप लोग यही वाला चार्जिंग जेक लगा रहते हैं तो इस चार्जिंग जेग को मैं फिर से लगाऊंगा इस टोर्स में तो इस चार्जर में यहाँ पर लगा के मैंने चेक करके दिखा दिया आप लोगों को तो ये यही चार्जिंग जेग इसके अंदर में लगा रहते हैं अब मैं इस चार्जिंग जेग को यहाँ पर लगाऊँगा इस्टॉर्स में सबसे पहले इसको लगाने से पहले इस चार्जिंग जेग को चेक कर लेना है ये ख़राब भी हो सकता है पहले टॉर्च को खोल लेते हैं इसके अंदर में ये बैटरी लगा रहते हैं इस बैटरी को खोल के आप लोग यहाँ पर दूसरा लिथियम आयन बैटरी लगा सकते हो ये थ्री पॉइंट सेवन वोल्टेज का बैटरी है अब इसको खोलने के लिए पीछे की साइड में इसको खोलना है आप लोगों को तो इसको खोल लेते हैं पहले यहाँ से ऐसे और उसके बाद आगे की साइड में खोलना होगा यहाँ पर इसको भी मैंने खोल लिया हो तो देख सकते हैं ये आसानी से खोल गया है और उसके बाद इस टॉर्च को खोल लेते हैं इसके अंदर में सर्किट लगा रहते हैं तो इसको भी मैंने पूरा खोल लिया हो अंदर देख सकते हैं एक सर्किट लगा रहते हैं इसी सर्किट में ही ये चार्जिंग जैक लगा रहते हैं तो इसको पूरा खोल लेते हैं यहाँ से देख सकते हैं आप लोग यही वाला सर्किट लगा रहते हैं इस टॉर्च में आगे की साइड में और पीछे की साइड में दोनों तरफ लाइट है और उसके बाद ये बैटरी यहाँ पर ऐसे लगा रहते हैं देख सकते हैं आप लोग ये बैटरी से ये लाइट ऑन हो गया है ये इसका ऑन ऑफ स्विच है तो आप लोग देख सकते हैं इस साइड में ही यहाँ पर चार्जिंग जैक लगा रहते हैं तो यहाँ पर मैं फिर से लगाऊंगा इस चार्जिंग जैक को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यह प्रिंट पूरा यहाँ से उठ गया है अब इसको यहाँ पर फिर से लगाऊंगा मैं आप लोग यहाँ पर दूसरा चार्जिंग जैक भी लगा सकते हो अगर खो गया है तो सबसे पहले इस चार्जिंग जैक को आप लोगों को चेक कर लेना है मल्टीमीटर की मदद से यह चार्जिंग जैक ख़राब भी हो सकता है तो इस चार्जिंग जैक को यहाँ पर ऐसे फिट करना होगा किनारे में शोल्डर करना होगा सबसे पहले मैं इस चार्जिंग जैक को चेक करके देखूंगा ये चार्जिंग जैक ख़राब भी हो सकता है और ये चार्जिंग जैक में यहाँ पर सारे टर्मिनल लगा रहते हैं ये सारे टर्मिनल को किनारे में यहाँ पर सोल्डर करना होगा और इस चार्जिंग जैक में यहाँ पर बीच में फाइव टर्मिनल लगा रहते हैं पावर सप्लाई के लिए तो यहाँ से कहाँ पर पावर सप्लाई होता है उसको भी मैं चेक करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं किनारे में यह सारे टर्मिनल लगा रहते हैं ये चार टर्मिनल यहाँ पर सोल्डर करना होगा और बीच में ये पावर सप्लाई के लिए पॉजिटिव और निगेटिव दो टर्मिनल लगा रहते हैं यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए सोल्डर करना होगा और इस चार्जिंग जगह में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर टोटल फाइव टर्मिनल लगा रहते हैं यहाँ पर किनारे का जो दो टर्मिनल है लेफ्ट और राइट वाला किनारे का एकदम यही दोनों से पावर सप्लाई होता है पॉजिटिव और निगेटिव ये पॉजिटिव है और ये दूसरा निगेटिव है बाकी बीच में जो तीन टर्मिनल है वो कोई काम का नहीं है तो यहाँ पर किनारे में जो एकदम किनारे दो टर्मिनल लगा रहते हैं पॉजिटिव और निगेटिव है यही दोनों यहाँ पर सर्किट में देख सकते हैं आप लोग ये दोनों में सोल्डर करना होगा किनारे की दोनों टर्मिनल को और यहाँ पर इस चार्जिंग जेक को यहाँ पर सोल्डर करना होगा तो सबसे पहले इसको चेक करके देखूंगा मैं मल्टीमीटर की मदद से ये ख़राब भी हो सकता है इसको चेक करने के लिए मैंने चार्जर के साथ इसको कनेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं टोटल फाइव टर्मिनल लगा रहते हैं किनारे का जो लेफ़्ट और राइट वाला टर्मिनल है यही दोनों से पावर सप्लाई आउटपुट होगा फाइव वोल्टेज इसलिए मैं मल्टीमीटर से चेक करूंगा इसका वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज को मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को यहाँ पर लगाऊंगा एकदम किनारे की जो टर्मिनल है देख सकते फोर पॉइंट नाइन्टी एट दिखा रहा है फाइव वोल्टेज ही दिखा रहा है लगभग तो ये चार्जिंग जैक बिल्कुल ठीक है किनारे की दोनों टर्मिनल से वोल्टेज आउटपुट हो रहा था यही दोनों टर्मिनल से तो देख सकते हैं एकदम किनारे का लेफ़्ट और राइट वाला टर्मिनल पर मैंने चेक किया हूँ मल्टीमीटर पर वोल्टेज आउटपुट दिखा रहा है तो ये चार्जिंग जैक बिल्कुल ठीक है अब इस चार्जिंग जैक को मैं लगाऊंगा इस टॉर्च में सर्किट में यहाँ पर सोल्डर करना होगा क्योंकि ये चार्जिंग जैक खराब नहीं हुआ है इसको ही मैं लगाऊंगा यहाँ पर इसको लगाने से पहले आप लोगों को एक सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत होगी माइक्रो सोल्डरिंग आयरन की तो देख सकते हैं इस चार्जिंग जैक के किनारे में यहाँ पर जो ये दो टर्मिनल है यहाँ पर अच्छी तरह से सोल्डर करना होगा आप लोगों को और इस साइड में भी यहाँ पर दोनों टर्मिनल पर सोल्डर करना होगा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर भी दो टर्मिनल है आप लोगों को ज़्यादा रंग लगा के इसको सोल्डर करना है आप लोगों को यह छोटा सा सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत होगी माइक्रो सोल्डरिंग आयरन की तो इस दोनों साइड में मैंने सोल्डर कर दिया हो अच्छी तरह से देख सकते हो आप लोग ये दोनों टर्मिनल पर यहाँ पर और उसके बाद इस साइड में भी सोल्डर करूँगा मैं ये दोनों टर्मिनल पर तो यहाँ पर अच्छी तरह से थोड़ा रंग को लगा के शोल्डर करना होगा ऐसे यहाँ पर अच्छी तरह से शोल्डर करना है आप लोगों को नहीं तो फिर से ये टूट सकता है तो देख सकते हैं सारों तरफ मैंने अच्छी तरह से शोल्डर कर दिया हूँ आप लोगों को ये चार्जिंग जैक को पहले चेक कर लेना है यहाँ पर शोल्डर करने से पहले क्योंकि ये चार्जिंग जैक ख़राब भी हो सकता है तो देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने शोल्डर कर दिया हूँ, इस साइड में और उसके बाद इस साइड में भी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर भी शोल्डर कर देव चार्जिंग जेक में और उसके बाद यहाँ पर जो टर्मिनल है फाइव टर्मिनल यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए दो टर्मिनल में शोल्डर करना होगा एकदम किनारे का जो दो टर्मिनल है लेफ्ट और राइट वाला यही दोनों पर शोल्डर करना होगा ये पॉजिटिव और निगेटिव है तो देख सकते हैं ये निगेटिव है और ये दूसरा पॉजिटिव है बाकी जो बीच में तीन टर्मिनल लगा है वहाँ पर शोल्डर नहीं करना है आप लोगों को एकदम किनारे की दोनों टर्मिनल पर शोल्डर करना है आप लोगों को देख सकते हैं आप लोग ये पॉजिटिव पे मैंने सोल्डर कर दिया हो और उसके बाद ये निगेटिव पे मैंने सोल्डर कर दिया हो यही दोनों से वोल्टेज आउटपुट होता है तो देख सकते हैं यहाँ पर एकदम किनारे की लेफ़्ट और राइट वाला टर्मिनल पर मैंने सोल्डर किया हो ये वाला और ये वाला बाकी बीच में जो तीन टर्मिनल है वहाँ पर मैंने सोल्डर नहीं किया हो देख सकते आप लोग अब मैं आप लोगों को चेक करके दिखाऊँगा यह काम करता है या नहीं यहाँ पर चार्जर को लगा के दिखा देते हैं तो देख सकते हैं ये रेड लाइट जल गया है इंडिकेटर लाइट ये बिल्कुल ठीक हो गया है और ये लाइट भी जल गया है बिना बैटरी के ये लाइट जलता है क्योंकि यहाँ पर चार्जर को मैंने लगा दिया हो तो देख सकते हैं बहुत ब्राइट होकर जल गया है आप लोगों को मैंने पूरा चेक करके दिखा दिया हो ये बिना बैटरी के ही ये लाइट जल गया है क्योंकि यहाँ पर पावर सप्लाई आ रहा है चार्जर से इसीलिए ये जल रहा है अब मैंने चार्जर को, को खोल दिया हो लाइट ऑफ हो गया है देख सकते हैं आप लोग फिर से चार्जर को लगा दिए फिर से लाइट ऑन हो गया है आप लोगों को मैंने पूरा रिपेयर करके चेक करके दिखा दिया है इस चार्जिंग जैक को अभी पर इसको फटाफट से फिट कर लेते हैं इस टॉर्च में आप लोग भी इस वीडियो को देख के इस टॉर्च को आसानी से रिपेयर कर सकते हो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना और ये इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो इस टॉर्च के जैसा दूसरे टॉर्च का भी मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ आप लोग हमारे चैनल में जाके चेक कर सकते हो अब यहाँ पर इसको फटाफट से फिट कर लेते हैं और उसके बाद इस चार्जिंग जैक को यहाँ पर फिट हुआ है या नहीं मैं चेक करके दिखाऊंगा आप लोगों को तो देख सकते हैं ये लाइट ऑन हो गया है अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर किनारे में ये चार्जिंग जैक यहाँ पर अच्छी तरह से फिट हो गया है यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अब मैं फिर से आप लोगों को एक बार चेक करके दिखाऊँगा चार्जर को लगा दिया रेड लाइट जल गया है तो यह तो जरूर चार्ज ले रहा है देख सकते हैं आप लोग ये अच्छी तरह से यहाँ पर फीड हो गया है आगे का लाइट भी बहुत ब्राइट होकर जल गया है तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना और इस वीडियो को देख के ये चार्जिंग जैक को आसानी से रिपेयर कर सकते हो